भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। छेत्री ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर दी है। सुनील छेत्री के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के फैसले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट किया है। बोर्ड ने लिखा, आपका करियर असाधारण से कम नहीं रहा है और आप भारतीय फुटबॉल और भारतीय खेलों के लिए एक अभूतपूर्व प्रतीक रहे हैं। छेत्री ने अपने शानदार करियर में 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छेत्री 2008 में AFC चैलेंज कप, 2011 और 2015 में SAFF चैंपियनशिप, 2007, 2009 और 2012 में नेहरू कप के साथ साथ 2007 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप में खिताब जीतने वाली भारतीय टीमों का हिस्सा रहे हैं। सुनील ने शौक के तौर पर फुटबॉल खेलने की शुरुआत साल 2002 में की थी। 17 की उम्र में वो मोहन बागान क्लब से जुड़े। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 20 की उम्र में भेजा। FC चैलेंज कप फाइनल 2008 में तजाकिस्तान के खिलाफ सुनील ने 3 गोल किए थे। उनके इन्हीं गोल के दम पर भारतीय टीम ने 27 सालों बाद AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था। 2010-11 में सुनील को कासान सिटी विजार्ड फुटबॉल लीग से अपनी टीम के लिए साइन किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद विदेश में प्रोफेशनल लीग ज्वाइन करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने। 2013 में पुर्तगाली क्लब से हटने के बाद छेत्री बंगलुरु फुटबॉल क्लब से जुड़े। इस दौरान उन्होंने 23 मुकाबलों में 14 गोल और 7 असिस्ट किए। 2015 में सुनील ने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे किए थे। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने थे। 2017 में किर्गिस्तान के खिलाफ सुनील ने 69वें मिनट में गोल दागकर इतिहास रचा था। उनके इस गोल की बदौलत 2019 एशिया कप के लिए भारत ने क्वालिफाई किया था। फीफा की शीर्ष 100 रैंकिंग में शुमार हो गए थे। साल 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप के दौरान सुनील डेविड विला के साथ दुनिया के तीसरे सबसे एक्टिव अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बने थे। हाल ही में 4 जून को सुनील ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। केनिया के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने 2 गोल दागे। वो 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले 4थे खिलाड़ी हैं। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई और लियोनेल मेसी के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले 3रे खिलाड़ी हैं। उन्हें साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।